गुड मॉर्निंग कटक, मैं समाज लाइव डॉट इन से महेश शर्मा। आज हमारे मेहमान हैं ये तीन साइक्लिस्ट बच्चे जो जिनकी उम्र 21 वर्ष है। ये लोग एक थीम को लेकर के साइकिल यात्रा कर रहे हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा ये करेंगे। हमारे समाज लाइव डॉट इन के एंकर डॉक्टर प्रवास आचार्य इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, गोपबंधु भवन समाज ऑफिस से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सागर, ऋषभ और पंकज, ये तीन लड़के नैनीताल से शुरू किए अपना जानी और सारा भारत परिक्रमा करके अब तक शायद अराउंड 10,000 किलोमीटर्स दे हैं ट्रैवल करके आज उड़ीसा का कटक में पहुँचे हैं। कटक में हम उन लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए उनसे पूछ के जानते हैं कि वो क्यों ये जर्नी शुरू किया है, सफ़र शुरू किया है और इतने लोगों से मिला, स्टेट सब घुमाए, पर्पस क्या है उनका और ये गाड़ी का खासियत क्या है, रोज़ कितने किलोमीटर घूमते हैं, बताइए आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सागर त्रिपाठी है, ये मेरे फ्रेंड हैं ऋषभ जोशी और पंकज बेस्ट। तो हम नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हमने एक साइकिल एक्सपीडिशन स्टार्ट करा नैनीताल से, जो पूरा इंडिया में 28 स्टेट्स कवर कर रहा है। और इसमें जो हमने थीम रखा है वो है सेव अर्थ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपको प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। एक्चुअली पॉल्यूशन जो है बहुत सारा है, तो हम उसे एक साथ कम नहीं कर सकते। तो हमने एक प्लास्टिक को कम यूज़ करने के लिए हमने एक जर्नी स्टार्ट करी है। इसमें हम भारत के सभी राज्यों 28 राज्यों से होकर जा रहे हैं। अभी तक हमारे ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स हो गए हैं और अभी हमारा इसके बाद वेस्ट बंगाल को हम जाएंगे, इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर बैंकपुर उत्तराखंड जाएंगे। और लास्ट ईयर हमने यहाँ से लद्दाख, नैनीताल से लद्दाख तक एक एक्सपीडिशन किया था साइकिलिंग का, वो वुमेन एम्पावरमेंट में था, महिला सशक्तिकरण में। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा देश महिलाओं का सम्मान करे और पॉल्यूशन को कम करे। आप रोज़ कितना किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं? हमारा पर डे 120 से 130 किलोमीटर साइकिलिंग होती है। इसमें मॉर्निंग में 6 to 7 निकल जाते हैं और इवनिंग तक 6 to 7 तक करते हैं। रात को रहते कहाँ पर? हम कहीं लॉज ले लेते हैं या कभी हमारे पास टेंट भी है, टेंट लगा लेते हैं। और खाना कहाँ खाते हैं हम लोग? खाने के लिए हम कोई भी, जैसे मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कोई भी ढाबा या कोई रेस्टोरेंट जो भी मिलता है हमको। और ऐसे ही फिर उसके बाद 60-70 किलोमीटर्स करने के बाद फिर लंच कर लिया, फिर ऐसे इवनिंग में कुछ स्नैक्स ले ली, देन डिनर। इसमें एक्चुअली आपका सोशल चेंजेस कुछ ला पाते हैं या सिर्फ आपका अपना खुशी के लिए आप कर रहे हैं? हाँ, इससे हमें लगता है और होता भी है, क्योंकि जहाँ पर हम 100 लोगों से बात कर रहे हैं, 100 लोग चेंज नहीं हो पाते, पर उनमें से 2 या 10 इतने लोग होते हैं जो समझते हैं, बातों को ध्यान से सुनते हैं और कुछ चेंजेस लाते हैं, बताते हैं, वो आप आगे लोगों को बताते हैं और कुछ चेंजेस आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।